यूपी के सीतापुर कोतवाली सिंधौली क्षेत्र का मामला है, जहां एक गांव की महिला ने ग्राम विकास अधिकारी पर आवास का लालच देकर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। जहां महिला की माने तो यह घटना उस समय की है जब महिला घर पर अकेली थी। ग्राम विकास अधिकारी शौचालय की जांच करने आए थे। उन्होंने महिला से पीने के लिए पानी मांगा। महिला जैसे ही पानी लेने गई कि घर के अंदर घुसी, पीछे से ग्राम विकास अधिकारी भी घर में घुस गए। नल से पानी निकालते समय महिला से आवास की बातें करते हुए छेड़खानी करने लगे। महिला के विरोध करने पर धमकी देते हुए घर से बाहर भाग निकले। सेक्रेटरी आए थे तो शौचालय देखने के बहाने, उस समय मेरे घर पर कोई नहीं था, हम अकेले थे। तो उसने कि पानी मांगा, पानी के लेने के बहाने वो हमने अंदर आए और उसने भी पीछे से आ गए। तो उसने आवास देने का लालच किया। उसने कहा तुमको हम आवास दिलाएंगे। हमने पानी चला रहे थे, उसने पीछे से आए, मेरा हाथ पकड़ लिया, हमसे छेड़छानी की है, तहरीर धमकी दी थी और धमकी दे के और तुरंत चले गए। हमने थाने में शिकायत दी है तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आवश्यक कार्य से घर से बाहर गया था और मुझे बुलाया गया, तब मैं घर आया और जब घर आया तो सेक्रेटरी घर से निकलकर भागते हुए मुझे मिले और जब तक मैं सारी स्थिति समझ पाया तब तक ये भाग चुके थे। हमने डायल 100 पे तुरंत शिकायत दर्ज कराई। जैसे ही हमको घटना की विधिवत जानकारी हुई, पुलिस आई, उन्होंने कहा कि थाने में जाके FIR कीजिए। तब मैं तुरंत थाने पहुंचा, प्रभारी निरीक्षक के नाम हमने प्रार्थना पत्र दिया और वहाँ से मुझको इसकी शिकायत की कोई रिसीविंग नहीं दी गई। हमने जब कहा कि मैं शिकायत दे रहा हूँ, इसकी कोई रिसीविंग तो दीजिए या इस पे साइन कीजिए, मोहर लगाइए फोटोकॉपी में, और उनके द्वारा कोई कार्यवाही भी नहीं की गई और प्रभारी निरीक्षक ने यही कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। आज ये समाचार पत्रों में ये मामला प्रकाशित हुआ है और इसकी संज्ञान में लिया गया है और ऐसा भी बताया गया है कि महिला द्वारा तहरीर दी गई कोतवाली में, सिधौली में। तो इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से बात करके जो भी नियमानुसार विधि संगत कार्रवाई होगी कराई जाएगी।